देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना प्रेम के चक्रव्यूह में देश की लगभग 70,000 करोड़ की राशि को डुबो दिया है। लोग प्रेम में लूटते तो हैं, लेकिन यहां पर एक देश की पूंजी को लुटाने का षड्यंत्र रचा गया। हम देखते हैं 2015 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर चाइना के दौरे पर रहे। वो क्यों रहे? उन्होंने चाइना से प्रेम क्यों दर्शाया? चाइना से दोस्ती क्यों स्थापित की? जबकि विश्व के कई राष्ट्र जानते हैं कि चाइना दोस्ती के काबिल नहीं है। वह जिस कहावत है ना कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती है, उसी प्रकार चीन से किसी की दोस्ती या दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती है। चाइना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लालच दिया और चाइना के एक मृतप्राय इनएक्टिव बैंक उसको मल्टीलेटरल बैंक में बदलने का लालच दिया और उन्हें कहा कि आप इस मल्टीलेटरल बैंक की स्थापना करवाएं और उसमें अंश पूंजी डलवाएं। जबकि झांसे में आ गए भारतीय प्रधानमंत्री, उन्होंने इस मल्टीलेटरल बैंक को तो नहीं बना पाए लेकिन रीजनल बैंक बना। इस रीजनल बैंक का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसमें इन्होंने 100 मिलियन US डॉलर की जो शेयर कैपिटल है इस बैंक की, उसमें अपना 8.72 बिलियन की शेयर कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। जब 2016 में पता लगा कि भारत ने इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में 8.72 बिलियन यूएस डॉलर की राशि के बराबर अंश खरीद लिए हैं, तो उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। उसने भारत को नजरअंदाज करना शुरू किया, साथ ही साथ उसने डोकलाम विवाद खड़ा कर दिया और आतंकी राष्ट्र के साथ एक प्रोजेक्ट बनाई जो कि बहुत ही भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही थी। और भारत आजाद कश्मीर से उसने ये प्रोजेक्ट बनाई, जबकि वन रोड वन बेल्ट मिशन का उसने नाम दिया। अब स्थिति यह है, जब ये पैसा पूरी तरीके से समाहित हो गया, अब रिजर्व बैंक ने क्या अपनी बैलेंस शीट में ये 8.72 बिलियन डॉलर की जो राशि यूएस डॉलर की राशि है उसको कहीं दर्शाया है, या ये ऊपर ही ऊपर राशि समाहित है? क्योंकि फ्रॉड करने में माहिर है, रिजर्व बैंक भी फ्रॉड करता है और देश का प्रधानमंत्री तो फ्रॉड और जुमलों का सरताज है। लेकिन आज जब इसकी शिकायत की गई पीएमओ कार्यालय में, तो वहां से भी जवाब आया कि नहीं, ये अंश पूंजी नहीं है, ये ऋण राशि है। अब आप बताइए कि क्या शेयर कैपिटल को लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहां पर एक और फ्रॉड पीएमओ ने जग जाहिर कर दिया। लेकिन आज जो सबसे वर्तमान में जो सबसे खतरनाक स्थिति बन रही है देश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जब यहां पर शिकायत पिटीशन दर्ज की गई तो उन्होंने भी फ्रॉड किया। देश की सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीवेंस मैनेजमेंट साइट पर दो अलग अलग याचिकाओं को डायरी नंबर के द्वारा दर्ज कर लिया। एक याचिका एक डायरी नंबर पर याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र का बताया तो दूसरे याचिका डायरी पर मध्य प्रदेश का बताया। जिस डायरी नंबर पर महाराष्ट्र का बताया गया था उसकी पीआईएल निरस्त कर दी गई, और जिस पर मध्य प्रदेश का याचिकाकर्ता दर्शाया था वहां पर याचिका आज भी पेंडिंग है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका आज भी पेंडिंग है, इस फ्रॉड की जांच नहीं हो रही है, न तो कोई सीबीआई जांच हो रही है, न तो केग रिपोर्ट की जांच आ रही है, न जन लोकपाल में ये मुद्दा जा रहा है। अब विश्वास करते हैं, देश की जनता विश्वास करती है कि पाक साफ है, यहां तो प्यार में ही 70,000 करोड़ रुपए लूटा दिए। और ये जो राशि का फ्रॉड है ये देश का एक व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ा फ्रॉड है, पूरे विश्व में एक व्यक्ति द्वारा किया गया सबसे बड़ा फ्रॉड है। जबकि देश गुमराह है, रिजर्व बैंक गुमराह है, देश की जनता गुमराह है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट गुमराह है। यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस याचिका पर सुनवाई नहीं करती है तो वो भी फ्रॉड कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाने पर स्वयं जिम्मेदार होगी। और वो पुष्टि भी कर रही है कि अब वो जिस तरीके से याचिकाओं को गोलमाल कर रही है, याचिकाओं से फ्रॉड कर रही है,
याचिकाकर्ता की 30 याचिकाएं आज भी पेंडिंग रखी हुई है, अंडर प्रोसेस रखी हुई है। ऐसा क्यों? क्या यह प्रमाणित नहीं करता है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब फ्रॉड कोर्ट ऑफ इंडिया में तब्दील हो गई है?